मैं आपको बताती हूँ कि शिव शंकर का एक स्वरूप उद्यमी भी है जो सफलता के लिए है। क्या शिक्षा देते हैं ये रूप, आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के रुद्र रूप के बारे में। तो उद्यमी में शिव शंकर के रुद्र स्वरूप जैसे लक्षण होने चाहिए, क्योंकि रुद्र रूप में किसी भी तरह से डर नहीं होता है। तो बिजनेस करने के लिए किसी भी तरीके का डर आपके अंदर ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये रूप बोल्ड रहने की सलाह देता है, जो कि किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। ये रूप उद्यमी को कभी भी गलतियों को बर्दाश्त ना करने का भी सजेशन देता है, सलाह देता है, बताता है कि उद्यमी को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये भी सिखाता है कि इंसान के मन में किसी भी काम को लेकर अगर बहुत ज़्यादा विल पावर है तो उसे कभी भी सफलता ज़रूर मिलेगी। देर है मगर सवेर ज़रूर है। इसी तरह शिवजी के दूसरे रूप और सफलता के नियम के बारे में बताती हूँ। दूसरे स्वरूप है महायोगी और गृहस्थ। तो भगवान शंकर महायोगी भी हैं और साथ साथ संसार के भले के लिए तप करते हैं। साथ ही भगवान शंकर गृहस्थ भी हैं और उनका अपना एक परिवार भी है, जिसमें उनकी वाइफ है माँ पार्वती, दो बेटे हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी। भगवान शंकर संसार की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, इसके बावजूद अपने परिवार के लिए समय भी निकालते हैं। इस तरह भगवान शंकर हमें सिखाते हैं कि आप अगर बिजनेस में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी फैमिली और अपने काम के बीच में सही बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी है। किसी भी इंसान में जब बैलेंस की कमी हो जाती है, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा पीना, ये सारी चीज़ें इंसान की कमज़ोरियाँ बन जाती हैं जो सफलता की दुश्मन हैं। शिव जी का एक और स्वरूप है जो सफलता के क्या नियम हमें सिखाता है, बताती हूँ। इसका शिव जी का तीसरा रूप है अर्धनारेश्वर। भगवान शंकर का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लक्ष्य और उनकी स्टेबिलिटी का सम्मान करना चाहिए, फीमेल्स की सलाह को भी तवज्जो देना चाहिए। तो इसी तरह जब भी आप बिजनेस में हैं तो अपने प्रोजेक्ट पर अपनी वाइफ की भी सलाह ले लेनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपने एम्प्लॉयज से बातचीत कर उनकी सलाह ज़रूर लें। हमारे अंदर भी हाफ मेल और हाफ फीमेल है। जब इस हाफ मेल और हाफ फीमेल का बैलेंस हमारे अंदर बनता है तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाते हैं। शिव जी का एक और स्वरूप है कलात्मक सृजनात्मक। तो भगवान शंकर ने ऐसा भी उन्हें कहा जाता है सृजनकर्ता। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन में अमृत को शुद्ध करने के लिए अपने शरीर के भांग का निर्माण किया था। ठीक इसी तरह एक बिजनेस पर्सन को भी बहुत ही क्रिएटिव चीज़ों के लिए, बहुत ही क्रिएटिव मैं ये कह सकती हूँ इनोवेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। बिजनेस पर्सन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निर्माण में खुद की भलाई के साथ साथ दूसरों का भी फायदा हो।